हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक स्लीव्स की डिज़ाइन शेयर करूंगी। स्लीव्स आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा। स्लीव्स का लेंथ मैंने लिया है 8 इंच, और स्लीव्स को किस तरह से कटिंग करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। और एक में 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम एक तिरछी मैंने पट्टी लिया है, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है, करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो मैं एक पतली डोरी बनाऊंगी, तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन देके पहले सिलाई करूंगी, फिर 1 पॉइंट का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। और फिर इस पट्टी को पलटना है, तो इसके लिए मैं सुई धागा के हेल्प से इसको पलट लूंगी। इसके एक साइड पे एक गांठ लगाना है, और फिर सुई को इसके अंदर डाल के एक साइड से डाल के दूसरे साइड से निकाल लेना है, और फिर थोड़ा सा इसको खींचने से ये पलट के सीधे तरफ निकल आएगा। तो इस तरह से एक पतली डोरी बना लेना है। अब इससे मैं 2.5 इंच मेज़रमेंट करके 2.5 इंच मेज़रमेंट करके छोटे छोटे डोरी मैं इससे कट कर लूँगी। इस तरह से 2.5 इंच मेज़रमेंट करके मैंने बहुत सारे पतले डोरी मैंने कट कर लिए हैं। अब स्लीव्स को लेना है, और स्लीव्स को पहले खोल लेना है, और स्लीव्स के नीचे आधा इंच का मेज़रमेंट करना है। आधा इंच मेज़रमेंट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब डोरी को लेना है, और 1 इंच तक छोड़ के डोरी को ये जो पेंसिल में जो मैंने लाइन खींचा है इसके ऊपर डोरी को रखना है, और ये डोरी ये लाइन पे टच करना चाहिए, और इस तरह से यू शेप में रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और फिर इसके पास ही और एक डोरी को रखना है, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और ये जो डोरी है ये इस लाइन के ऊपर रहना चाहिए, और 1/4 इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से एक के बाद एक डोरी को रखना है और सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने पूरे स्लीव्स के ऊपर ये डोरी को लगा लिए हैं। अब इस डोरी के ऊपर मैं और एक कलर का डोरी मैं लगाऊंगी, तो ये दूसरे कलर का डोरी को मैं इसके सेंटर पे इस तरह से रखूंगी, ये यू शेप के सेंटर पे इस तरह से रख के पहले सिलाई लगा लूंगी, और इसके दूसरे सिरा दूसरे यू के सेंटर पे इस तरह से रखना है। रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है, और फिर इसके पास और एक डोरी को रखना है। इसी तरह से एक के बाद एक डोरी को रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से डोरी को रखना है, रख के इसके ऊपर सिल लेना है। तो इस तरह से मैंने पूरे स्लीव्स के ऊपर ये येलो कलर का डोरी भी मैंने अटैच कर लिए हैं। अब इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, डोरी के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और सिलाई लगाने के बाद फिर इसको इस तरह से पीछे पलट लेना है, पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। इस तरह से करने से पीछे की तरफ भी डोरी नहीं दिखाई देगा, और ये बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो जाएगा। तो पीछे की तरफ भी ये बहुत सुंदर फिनिशिंग आया है। अब स्क्वायर पीस फैब्रिक लेना है, तो मैंने 2 कलर का स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है। इसका लंबाई और चौड़ाई ये 3 इंच है। अब फैब्रिक को इस तरह से 3 बार फोल्ड कर लेना है, और दूसरे कलर फैब्रिक को भी
इसी तरह से ही 3 बार फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके ये रेड कलर का फैब्रिक के बीच में ये ऑरेंज लाइट ऑरेंज कलर का फैब्रिक को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरह से मैं और एक बना के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से 3 बार फोल्ड करना है और दूसरे कलर फैब्रिक को भी 3 बार फोल्ड करके रेड कलर के बीच में ये ऑरेंज कलर का फैब्रिक को रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। अब थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब स्लीव्स को लेना है और नीचे से 1 इंच तक छोड़ के ये शेप को इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगा लेना है। थोड़ा सा गैप देके फिर दूसरे को रखना है और सिलाई लगा लेना है। इस तरह से एक के बाद एक रख के सिल लेना है। अब मैंने 1/2 इंच चौड़ी एक रेड कलर का पट्टी लिया है तो मैं ये स्ट्रिप को इसके ऊपर इस तरह से रख के सिलाई कर लूँगी। यहाँ पे आप रेडीमेड स्ट्रिप भी रेडीमेड बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखना है, रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस जोड़ी को बनाने के लिए आपको 2 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी कट करना है और दोनों तरफ 1/2 इंच फोल्ड करके फिर सेंटर से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह का 1/2 इंच का स्ट्रिप रेडी हो जाएगा। पहले इसके एक साइड पे सिलाई लगा लेना है, फिर इसके दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेना है। अब मैं इसके सेंटर पे ये डिज़ाइन के सेंटर पे मैं बीट्स लगाऊंगी। तो एक बीट्स लेना है और इसको इसके सेंटर पे रख के इस तरह से 2 बार सिलाई कर लेना है। करके पीछे की तरफ ले जाके सिलाई को पक्का कर लेना है। तो इस तरह से पूरे में ये बीट्स को लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर बीट्स को लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू।